फ्रेंड्स, आज हम अपने विंटर गार्डन के जो सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको हम लोग सारे अपने गमलों में ट्रांसफर कर रहे हैं। और देखिए, पुराने जितने सीजनल प्लांट्स के थे गमले, सारा को हमने खाली कर दिया है। और ये देखिए इधर, ये सारे हमारे पिटूनियाज, जिसे मैंने ये नर्सरी पोट्रे में लगाया था। ये फिर ये कुछ पैंसिल, ये सारे पैंसिल हैं जिसे आज हम इसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये पर्सलेन के पुराने प्लांट्स हैं और इसमें देखिए, इसे मैंने इस टोकरी में लगाया था। तो इसलिए प्लांट्स लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े और महंगे पॉट्स ही खरीदें। को इसी मिट्टी को हम लोग रीयूज़ करेंगे। देखिए, हमने जो सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया था, कितना भुरभुरा है और ये कितना पोरस है। तो अगर पर्सलेन में और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ये देखिए, ये सारे पर्सलेन को मैं फेंकूंगा नहीं, इसको कुछ मैं अगले साल के लिए इसे सेव करके रखूँगा, जिससे कि और प्लांट्स ना खरीदना पड़े। और देखिए, इस पॉट में मैंने फुटबॉल लिली लगाया था और उसके ये बल्ब्स को भी मैं सेव करके रख लूँगा, ताकि इसको नेक्स्ट ईयर मैं फिर से लगा सकूँ। और इसमें देखिए, छोटे छोटे और न्यू बल्ब्स का भी ग्रोथ हो चुका है। ये देखिए, इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव करके रखना चाहिए। प्रकार से आज हमने गमलों में लगाया ये पैंजी, इधर ये पैंजी, ये पिटूनिया, और सारे में इधर हमने किसी में पिटूनिया और किसी में पैंजी लगाया है। और वो उधर हमने काफ़ी सारे डालिया के प्लांट्स लगाए हैं। ये सारे हमने इधर जीनिया लगाया है, और वो दीवार के किनारे किनारे हमने सारा वो उधर तक डालिया लगा दिया है। और इधर भी चलिए दिखा देते हैं, इधर हमने ये ज़मीन पर लगाया है, ये है डॉग फ्लावर, ये डॉग फ्लावर के प्लांट्स भी हमने लगा दिया है। तो ये जो दीवार है, ये हमारा ईस्ट साइड में है और वो उधर से सूरज उगता है। और इधर में पेड़ है, वो आम का पेड़, और ये गम्हार का पेड़ है। तो इस प्रकार से जो है सूरज इधर से घूमते हुए, सूरज का रोशनी इधर सेकेंड हाफ में पड़ता है, और इसमें इस एरिया में 3 से 4 घंटे की सनलाइट अच्छी तरह से मिल जाती है। तो फिर भी चलिए देखते हैं इधर का हमारे प्लांट्स का ग्रोथ कैसा होता है और वो फ्लावरिंग कैसा करता है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये छोटा सा मेरा अपडेट वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में यदि नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।